Hello, welcome to Sumo Biology Online Classes. Today we are going to discuss question from your NEET 2021 question paper. ये question जो मैंने आपसे discuss करने की सोची है, NEET 2021 में question आया था. Question है, mutation in plant cells can be induced by. Plant cell में mutation induce कराने हो तो हम किसका use करेंगे, हम करा सकते हैं, किसका इस्तेमाल करके हम mutation induce करा सकते हैं. Kinetin, infrared rays, gamma rays और zeatin. द आंसर इज गामा रेस. गामा रेस का इस्तेमाल हम लोग करेंगे म्यूटेशन इंड्यूस कराने के लिए. ठीक है जी, चलिए देखते हैं आपकी एनसीईआरटी में कहाँ पे ये लाइनें दे रखी हैं, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं आपको नियर अबाउट 90 क्वेश्चंस में से 88 क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से ही मिलते हैं. आंसर है गामा रेस. द यूज ऑफ आयनाइजिंग रेडिएशन सच एज एक्स रेज, गामा रेज एंड न्यूट्रॉन्स एंड केमिकल म्यूटाजेंस फॉर इंड्यूसिंग वेरिएशन इज वेल इस्टेब्लिश. हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं एक्सरे को, गामा रे को, न्यूट्रॉन्स को और केमिकल म्यूटाजेंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें गामा रेस हमारी मोस्ट प्रेफरेबल है. इंड्यूस म्यूटेशन हैव बीन यूज टू इम्प्रूव मेजर क्रॉप सच एज वीट, राइस, बाले, कॉटन, पीनट्स, बीन्स विच आर सीड प्रोपोगेटेड, जिनका कि सीड्स के माध्यम से प्रोपोगेशन किया जाता. तो हम लोग देखते हैं कि भैया हम लोग किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, गामा रेस को. एक्सरे भी हो सकती है, न्यूट्रॉन्स भी हो सकते हैं, केमिकल म्यूटाजेंस भी हो सकते हैं. तो अब देखते हैं एनसीईआरटी में ये बात कहाँ लिखी है. तो ये देखिए पेज नंबर 174 पे एनसीईआरटी पे, म्यूटेशन, म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड. म्यूटेशन है क्या, सडन अब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक मटीरियल, दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन. सडन अब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक मटीरियल, जेनेटिक मटेरियल में चेंज हो जाए तो उसको हम लोग म्यूटेशन बोलते हैं. तो जेनेटिक मटेरियल क्या, अपना डीएनए है. ओके, और डीएनए क्या है, पॉलीमर है. डीएनए इज अ लॉन्ग पॉलीमर, अ बिग पॉलीमर, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. आपको पता होगा कि इसमें जो मोनोमर है इसका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने से क्या बनता है, पॉलीमर बनता है, जिसको हम लोग डीएनए बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. अब यहाँ न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या है, तो देखिए डीएनए है, डीएनए क्या है, पॉलीमर है. किसका पॉलीमर है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड. न्यूक्लियोटाइड में क्या है, न्यूक्लियोटाइड में फर्दर हम लोग इसको और ब्रेक कर लें, न्यूक्लियोसाइड होता है और प्लस उससे जब फॉस्फेट मॉइटी जुड़ जाती है, फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है. तो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट गिव राइज टू न्यूक्लियोटाइड. ठीक है जी, न्यूक्लियोसाइड में क्या है, न्यूक्लियोसाइड में एक तो आपकी पेंटोज शुगर होगी, पेंटोज शुगर, और एक आपका होगा नाइट्रोजिनस बेस. ठीक है, पेंटोज शुगर आपकी दो तरह की हो सकती है, डीऑक्सीराइबोज और राइबोज. अगर राइबोज शुगर है तो राइबोन्यूक्लियोटाइड बन रहा है, और अगर डीऑक्सीराइबो शुगर है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बन रहा है. पेंटोज शुगर दो तरह की, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज. इसी तरह से न्यूक्लियोज, ये जो आपके नाइट्रोजिनस बेस हैं, दो कैटेगरी के हैं, प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स. प्यूरिन्स होते हैं, पायरिमिडिन्स होते हैं. ओके जी, प्यूरिन्स में कौन कौन आ रहे हैं, प्यूरिन्स में आपके एडिनिन ग्वानिन आ रहे हैं, एडिनिन ग्वानिन. और पायरिमिडिन्स में आपके कौन कौन आ रहे हैं, पायरिमिडिन्स में आपके साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन आ रहे हैं, जिसमें साइटोसिन और यूरेसिल आपको मिलेगा आरएनए में, साइटोसिन थाइमिन मिलेगा आपको डीएनए में. इतनी चीज़ें क्लियर हैं आपकी. अब देखिए ये जो आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड बने, अब डीएनए के स्ट्रैंड को हम लोग देखें, डीएनए के स्ट्रैंड में ये डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं वाया फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, उससे जुड़े हुए हैं. तो ये न्यूक्लियोटाइड, अब हम लोग इसको ऐसे दिखा देते हैं, ए टी सी जी, ए टी सी जी. तो यहाँ पे नाइट्रोजिनस बेस अंदर की तरफ है, और ये जो इसकी हमारे डीएनए स्ट्रैंड की जो बैकबोन बन रही है वो किससे बनती है, शुगर से, फॉस्फेट से, शुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजिनस बेस इज प्रोजेक्टेड टूवर्ड्स इनर साइड, अंदर की तरफ है नाइट्रोजिनस बेस आपके. तो इसकी सीक्वेंस क्या है, इसी की सीक्वेंस आपकी निर्धारित कर रहा हमारा जेनेटिक मटेरियल, जो हमारे जीन्स हैं वही तो ये सीक्वेंस बता, वही ये सीक्वेंस तो वही है ना, जीन्स जो हमारे डीएनए की सीक्वेंस, न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस जो है वही डीएनए बना रहा. मतलब देखा जाए तो डीएनए एक पॉलीमर है,
जो किसका बना हुआ है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड में क्या है, न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड में क्या है, नाइट्रोजिनस बेस पेंटोज शुगर। तो ये आपका एक डीएनए का स्ट्रैंड, इसके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, वॉटसन एंड क्रिक ने बता दिया। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है इसका, और कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती, ए के अपोजिट हमेशा टी आएगा, सी सी के अपोजिट हमेशा जी आएगा। चार गाप साहब बता गए या इन्हीं लोगों ने बताया, आप ये मान सकते हैं। सी के अपोजिट हमारा क्या आएगा, जी, ठीक है जी। ए टी सी जी, ए के अपोजिट टी, सी के अपोजिट जी, इधर टी है तो इधर ए है, इधर जी है तो अपोजिट स्ट्रैंड पे सी होगा। अब अगर ये जो देखिए चेंज इन जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियोटाइड का बना है, तो न्यूक्लियोटाइड की चेंज इन जेनेटिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन। तो चेंज कैसे होगा, चेंज इन न्यूक्लियोटाइड में हो जाए तो वो कहलाएगा क्या, म्यूटेशन, ठीक है। पहले तो हमने बोला कि म्यूटेशन क्या होता है, सडन अब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। सडन अब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए, और डीएनए किसका बना है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का। तो दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि चेंज इन न्यूक्लियोटाइड वही हो जाएगा म्यूटेशन। तो चेंज इन न्यूक्लियोटाइड, अब इसके न्यूक्लियोटाइड के या तो नंबर बदल जाए, आइदर द नंबर गेट चेंज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूटेशन, और द टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड गेट चेंज, टाइप ऑफ नाइट्रोजिनस बेस या न्यूक्लियोटाइड। ध्यान से सुन लो, तो न्यूक्लियोटाइड के नंबर, भाई ये डीएनए है, मानिए ये 1098 बेस पेयर से बना, अब ये 1099 बेस पेयर या 1097 बेस पेयर, वो हो गया आपका नंबर चेंज हुआ, म्यूटेशन चेंज हो गया जेनेटिक मटेरियल। या टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड की पहले जो सीक्वेंस थी वो थी ए टी टी, ए सी जी, ए जी सी, अब वो चेंज होके क्या हो गई, वो चेंज होके हो गई ए टी टी टी। टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे बदल गया, आई बात समझ में, उसको भी हम लोग बोलेंगे म्यूटेशन। अरे भैया ए टी टी सी जी जी, मानिए ये थी पहले, अर्लियर टू चेंज ये थी, अब ये चेंज होने के बाद यहाँ पे ए टी 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 हो गया, जी जी, ये देखिए ये पोजीशन चेंज हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, म्यूटेशन हो गया। तो आइदर द नंबर गेट चेंज और द टाइप गेट चेंज और द सीक्वेंस गेट चेंज, नंबर तो वही है, टाइप भी वही है, लेकिन सीक्वेंस चेंज हो गई, ए टी टी सी की जगह ए टी सी टी हो गया, तो सब को चीजों को हम म्यूटेशन बोलेंगे। तो आइदर द नंबर गेट चेंज दैट इज कॉल्ड म्यूटेशन, टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड गेट चेंज दैट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूटेशन, और द सीक्वेंस सीरियल सीक्वेंस भी बदल जाएगी तो वो भी म्यूटेशन। अब्रप्ट चेंज जेनेटिक मटेरियल में वो होता है म्यूटेशन। तो म्यूटेशन इज द प्रोसेस बाय विच जेनेटिक वेरिएशंस आर क्रिएटेड। तो म्यूटेशन से क्या हो रहा है, जेनेटिक वेरिएशन आ रहा है, जो हम लोग एक दूसरे से थोड़ा अलग हैं, मैं मूंगा हूँ, आप वर्मा है, तीसरा शर्मा, चौथा श्रीवास्तव है, कुछ भी है, जो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये चेंजेस किसकी वजह से, म्यूटेशन की। कोई भी इंडिविजुअल दूसरे से नहीं मिलता, जेनेटिक वेरिएशन हो रहा है थ्रू चेंजेस इन द बेस सीक्वेंस विद इन जीन। यहाँ पे बेस सीक्वेंस की बात कर रहा, मैंने कहा तीन तरह से हो सकता है, टाइप बदल जाए म्यूटेशन, सीक्वेंस बदल जाए म्यूटेशन, नंबर बदल जाए म्यूटेशन। यहाँ पे सीक्वेंस की वो बात कर रहा, तो बेस सीक्वेंस चेंज हो गई। जीन क्या है, व्हाट इज जीन, जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच हैव अ कोडेड इन्फॉर्मेशन फॉर अ सर्टेन कैरेक्टर। जीन डीएनए का वो भाग है जिसके पास जानकारी है किसी भी एक लक्षण के लिए, रेगुलेटिंग इन द क्रिएशन ऑफ न्यू कैरेक्टर, नया कैरेक्टर बन जाएगा, और ट्रेट नॉट फाउंड इन द पेरेंटल टाइप। इट इज पॉसिबल टू इंड्यूस म्यूटेशन आर्टिफिशियली थ्रू यूज ऑफ केमिकल। आपकी एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है कि हम लोग केमिकल्स को यूज कर सकते हैं, रेडिएशंस को यूज कर सकते हैं, गामा रेडिएशंस, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि किसका इस्तेमाल करके आप इंड्यूस म्यूटेशन कर सकते हैं। तो साफ साफ आपकी एनसीईआरटी में पेज नंबर 174 पे लिखा है, गामा म्यूटेशंस की सहायता से हम लोग म्यूटेशन कॉज कर सकते हैं। सिलेक्टिंग एंड यूजिंग द प्लांट्स टू हैव द डिजायरेबल कैरेक्टर। तो ये जो कैरेक्टर आएंगे जब म्यूटेशन हो गया, जीन चेंज हो गया, तो उसके जो लक्षण आएंगे, आपके डिजायर्ड लक्षण जो आप बनाना चाहते हैं, जिस तरह का प्लांट, डिजीज रेजिस्टेंस या पेस्ट रेजिस्टेंस, उस तरह का प्लांट, अब आप उसको चेक करेंगे और उसी का फिर फर्दर प्रोपोगेशन कराएंगे। डिजायरेबल कैरेक्टर एज अ सोर्स इन ब्रीडिंग, और उसी की ब्रीडिंग कराएंगे, दिस इज कॉल्ड म्यूटेशन ब्रीडिंग, इसको हम लोग म्यूटेशन ब्रीडिंग बोलते हैं। तो म्यूटेशन सडन अब्रप्ट चेंज इन जेनेटिक मटीरियल, और ये इंड्यूस हो सकते हैं, नेचुरल हो सकते हैं। इंड्यूस म्यूटेशन में हम लोग यूज कर सकते हैं जैसा कि आपकी एनसीईआरटी कह रही, गामा रेडिएशन, म्यूटेशन हो गए, कैरेक्टर बदल गया, उसमें जो डिजायरेबल कैरेक्टर वाला जो प्लांट है उसका हम लोग प्रोपोगेशन फर्दर करा के इस तरह की ब्रीडिंग को कराएं, तो उसको म्यूटेशन ब्रीडिंग कहलाती है। इन मूंग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोज़ेक वायरस एंड पाउडरी मिल्ड्यू आर इंड्यूस्ड म्यूटेशन, दैट्स इट। तो आंसर अब आपको पता है, आपका आंसर है गामा रेडिएशन।
page number 174. Thank you.